असलम माई यू जब फैमिली तो कहते हैं आप सब तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक और इंटरेस्टिंग थिंक एक और इंटरेस्टिंग आइडिया मुझे आज घर पे एक चीज़ रिसीव हुई वो ये है ये एक मेडिसिन का बॉक्स है जिसके अंदर मेरे अम्मी पापा इसके बाद कभी अपनी मेडिसिन वगैरह रखते हैं या कभी दवाई वगैरह रखने के काम आ जाते है तो भाई उनकी दवाइयाँ वगैरह खाली हुई तो मैंने कहा भाई ये जब रही मलेरियम और अब ये मैंने जल्दी तो मैं चुना है उधर चिपके चिपके अब वो लोग के वीडियो देखेंगे चैतना हो कि उनको पता चल जाए तो वही इससे पहले कि वो लोग कि मैं वापस ले लेता हूँ और जल्दी जिसके अंदर भी फाइव जी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो ये मेरे पास कुछ क्वेंस शेप की हैंगिंग हेंग स्टीप वो मैंने छोदी में डाल ये बहुत प्यारा सा बॉक्स इसको हम कहीं पर भी ट्रैवलिंग के लिए भी अगर हमें कहीं जाना है तो हम अपनी बीक्स वगैरह को उसके अंदर रख के लेकर जा सकते हैं फिर उसके बाद मैंने ये शेल्स वगैरह डाले इसके अंदर फिर उसके बाद ये कुछ एयरिंग स्टर्स है वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ बहुत क्योंक सा ये बॉक्स है मुझे बहुत पसंद आया और ये हैंगन जो है ये इतनी क्यूक सी हैंगिंग्स हैं जिसके तो वह मतलब मुझे हैंगिंग बहुत पसंद है बाकी मैं बस थ्री ही बची है तो हम ये आगे अपने किसी भी क्राफ्ट कि मैं ये मैं हम इसे यूज़ कर लेंगे और ये मेरे पास कुछ लॉपस्टर उक्स है तो वो भी मैंने इसके ना डाल दिए अब इससे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इसके अंदर डालूँ क्या तो जो मेरे पास चीजें थी वो मैंने इसके डाल दी फिर इसके बाद ये मेरे पास कुछ नेकलेस वगैरह के एंग में लगाने के लिए लॉक पुक लगाने के लिए ये वो है सभी हम को पॉइ पीक से अपनी कोई भी नेकलेस वगैरह बनाएंगे तो उसमें हम ये से यूज कर सकते हैं और वो पीच में कुछ टूए थे इंचे गिर गए थे तो मैंने जल्दी से उठा के डाल दिया ठीक है और ये मेरे पास कुछ बीकस हैं छोजी सी कोजन कलर की तो ये वाले बेग से मैंने इसके अंदर डाल दी इसके अंदर मुझे ढूंढने स्पेसिफिकली पाए से मुझे भून पड़ रहा था कि मैं इसके अंदर क्या किया डालूं तो कि कि मैं देख मैं चाहती थी फिर जो ज़माने बस कम होने का कम पॉइंट ही मैं वो मैं इसके अंदर डालू फिर उसके बाद ये मुझे मिल गया बीक्स के ऊपर लगाने के लिए उसको इन्हेंस करने के लिए उसके लुक को वो कुछ शे मुझे मिल गए फिर ये मुझे कुछ और मूतियाँ मिल गई ये पेस्ट करने वाली बेटे मोदे कपड़े वगैरह में या कभी कोई फैब्रिक या टेक्सटाइल आर्ट वगैरह हम कुछ बनाए तो उसमें ही हमारे वर्क आ जाता है इसका और वो ये भी कह रहे हैं जो मैं सच वही थी कोई भी काम उसे ठीक से होता नहीं है लेकिन क्या करें फिर भी फिक्स तो के कोई मसला नहीं है और ये मेरे पास कुछ और नगे थी हैं ये बेसिकली हम इससे ये वो है हम इसे पेस्ट भी कर सकते हैं और हमें से ताक भी सकते हैं स्वीट आगे से तो ये मेरे पास सारे कंपार्टमेंट्स सभी सा वो फुल हो के फूल हो गए और आए ये बहुत मुझे क्यूब सा लग रहा है बहुत प्यार सा लग रहा है आगे अपने जब भी हम कभी काफ्तावर बनाएंगे तो हम इस बॉक्स से अपना सामान वगैरह निकालेंगे तो आप लोग वो कैसा लगा मेरा ये आइडिया कि आप लोग एक पास के घर में कोई भी इस तरह के मेडिसिन बॉक्स तो आप लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं तो चलें अब बहुत हो गया अब मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट लॉक में ओकेफ